आपका क्वेश्चन है, अकॉर्ड पीक्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड। ठीक है नौ, तो देखो अब इसको हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, दिस इज योर सर्कल, दिस इज द सेंटर, दिस इज योर ओ नॉ। अब देखो हमने एक कॉर्ड बनाया, दिस इज योर कॉर्ड, तो कॉर्ड दिया है इसने पी क्यू ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो दिस इज योर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, दैट मीन्स अगर आप इसको ओ पी एंड ओ क्यू करेंगे तो दिस एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस, ये आपको निकालना है। तो यू कैन सी इसके अंदर देखो आपका क्या क्या है, क्या क्या है वो आप देखो। तो इसके अंदर अगर आपको सेगमेंट निकालना है तो आपका क्या होगा, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेगमेंट सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब ये दोनों के फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट का क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर। ठीक है, माइनस और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का क्या लेंगे हम, वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, उसका हमको कैसे लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखो आपका ट्रायंगल कैसा है, ये एंड दिस साइड है ना, दोनों रेडियस है, तो अपोजिट साइड्स जिसके रेडियस है दैट मीन्स इट्स एन आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज कैसा है आपका, आइसोसेलस ट्रायंगल। है ना, तो यहां पर अगर 120 डिग्री दिया है तो रिमेनिंग कितना बचा आपका, 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 60, है ना, 60 डिग्री बच गया आपका। तो 60 डिग्री को टू हाफ्स में डिवाइड कर दो, तो डिवाइडेड बाय टू, दैट मींस ईच पार्ट इज योर 30 डिग्री, तो दिस इज योर 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां से सेंटर से एक हाइट बनाया, दिस इज योर हाइट नाउ, एकदम से हाइट है ना। आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर आप हाइट बनाएंगे तो क्या होगा आपका, ये जो पी क्यू है इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज योर डी सपोज। ठीक है, तो इक्वल हाफ्स में हो गया, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और एंगल भी डिवाइड हो गए, तो ये आपका हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया आपका 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू गो फॉर योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। तो आपको देखना है, देखो 60 डिग्री का अपोजिट इज दिस और ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस। तो वी विल टेक साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 6 बाई हाइपोटेनस इज ओपी, दैट इज योर रेडियस। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 बाई टू, तो ये हो गया आपका रूट 3 बाई टू, दैट इज इक्वल टू 6 बाई आर। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू
2 × 6 is 12, 12 by root 3. अब root 3 rationalize कर दो, तो ये आपका rationalize कर दिया आपने, तो this is equal to, ये नीचे 3 हो गया, root 3 × root 3 is 3, 12 divided by 3 is 4, तो आपका आ गया 4 √3 सेंटीमीटर, तो ये आपका रेडियस इज 4 √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अब हमको निकालना है, ठीक है। तो दिस इज योर 4 √3, दिस इज ऑल्सो 4 √3। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज योर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 साइड स्क्वायर, और यू कैन से रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो या तो रेडियस स्क्वायर लिख लो या साइड स्क्वायर लिख लो। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, देखो क्या आता है, थीटा इज आपका, देखो पूरा सेक्टर का है, दैट इज 120 डिग्री, नाउ तो आपका हो गया 120 बाई 360। पाई को हम पाई लिखते हैं, एंड रेडियस, रेडियस आपका क्या है, 4 √3 स्क्वायर है, तो वी विल राइट 4 √3 × 4 √3 माइनस साइन थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 इज साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू सेम वैल्यू 4 √3 होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है वो हम पहले बाहर लिख लेते हैं, तो ये यहां पर देखो कट भी हो रहा है 1, एंड ये हो गया आपका 3 टाइम्स, तो कॉमन हमारा क्या है, देखो 4 √3 होल स्क्वायर इज द कॉमन। अब आपका यहां पर क्या बचा, देखो पाई बाय 5/3 माइनस, नाउ अब इसकी वैल्यू डालते हैं, साइन 60 डिग्री इज √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमारा कितना होता है 1/2, तो आप देखो आपका क्या आ रहा है यहां पर 4 × 4, 4² = 16, 16 × 3, 16 × 3 इज 48, तो ये आपका आ गया 48, और यहां पर है आपका बाय 3, ठीक है, माइनस √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नौ, तो ये तो या तो आपका आंसर ये है, और आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करो अलग अलग, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो 48 π/3 माइनस 48 √3/4, अब इसको कट करो, तो ये देखो क्या हो रहा है आपका 3 टाइम्स, यानी कि 16 π माइनस, इसको 4 से कट करो, ये हो गया आपका 12। अब ये दोनों में 16 और 12 में कॉमन क्या है आपका 4, तो आप लिख सकते हैं 4, और यहां पर हो गया 4π माइनस, और यहां पर आपका बचा 3, तो 3 √3, और यू कैन राइट दिस आंसर और पहले वाला, ठीक है।